और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर जाएंगे, मानसरोवर स्थित शिव मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, पहले दिन तमाम सौगातें मुख्यमंत्री ने दी थी। दूसरे दिन की बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर्व में वो शामिल हुए थे, तमाम अपने गुरुओं का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था। और आज तीसरा दिन है, आज मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया है, साथ ही साथ रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करेंगे। तो मानसरोवर स्थित शिव मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तीसरा दिन है और मुख्यमंत्री मानसरोवर मंदिर पहुंच चुके हैं, ये अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि मानसरोवर मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त है क्योंकि आज सावन का पहला दिन भी है, सावन की शुरुआत भी हुई है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं। शिव मंदिर मानसरोवर मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं दर्शन पूजन करने के लिए। दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री जनता दरबार भी लगा चुके हैं, फरियादियों की फरियाद को सुन चुके हैं। अक्सर सुबह के समय ही मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन सुबह भी भारी भीड़ जनता दरबार में जुटती है। मानसरोवर स्थित शिव मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद लेने।